हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी और स्किल के बारे में। तो दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, आप भी दोस्तों जान पाओगे राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी और स्किल के बारे में, और राफेल कैरेक्टर यूज करने से आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है वो भी इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में जो भी न्यू फ्रेश हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं फ्री फायर की होम स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हूँ, तो आपको भी इस तरह से अवेलेबल हो के इधर कैरेक्टर की जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों फ्री फायर की जितना भी ऑल कैरेक्टर है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद इधर रिफिल कैरेक्टर आप इधर सिलेक्ट कर लीजिए। राफेल कैरेक्टर जैसे कि मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो राफेल कैरेक्टर एक पैसिव कैरेक्टर है। तो फ्री फायर के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव कैरेक्टर की कॉम्पिटिशन वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उधर से जाके आप इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल मैं राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। इधर लिखा हुआ है, देखिए, साइलेंस इफेक्ट व्हेन यूजिंग स्नाइपर्स एंड मार्क्समैन राइफल एनिमी शीट एंड डाउन सुपर 45% फास्टर एचपी लॉस। राफेल कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो दोस्तों किस तरीके से वार करेगा मैं आप लोगों को फुल डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलेंगे दोस्तों होम स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इधर ओपन्स के अंदर मैं अभी आऊंगा, उसके बाद देखिए इधर ओपन्स के अंदर जाने के बाद इधर जो मार्क्समैन जो राइफल है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो इधर देखिए 4 गन्स दिखा रहा है, मार्क्समैन जो गन्स है उधर 4 गन है, जैसे कि एसपीडी, एसीडी, एसकेएस। ये जो 4 गन है ये 4 गन दोस्तों जब आप दोस्तों किसी भी एनिमी को या दोस्तों और राफेल कैरेक्टर लेके यूज करोगे उस टाइम पे दोस्तों साइलेंसर ऑटोमेटिक लग जाएगा, या दोस्तों साइलेंसर नहीं होने से भी साइलेंटली गन चलेगा। और दोस्तों स्नाइपर जो AW है, उसके बाद दोस्तों Kar-98, तो जो भी गन से वो दोस्तों उसमें दोस्तों साइलेंसर नहीं होने से भी आप दोस्तों साइलेंटली गोली चला सकते हो। जैसे कि राफेल कैरेक्टर लेके मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ, तो इसके देखिए साउंड आप देख सकते हो किस तरीके से राफेल कैरेक्टर के साथ इसका साउंड वर्क कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सुनना होगा ध्यान से, तो इसके जो साउंड है किस तरीके से इधर साउंड दोस्तों साइलेंट दोस्तों जा रहा है, तो इसकी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो मार्क्समैन राइफल और दोस्तों स्नाइपर जो गांस है इसी गांस के आधारित इधर साइलेंसर लगेगा और बाकी जितना भी गांस है उसमें नहीं लगेगा। और दोस्तों कोई भी आधा जो कैरेक्टर है फ्री फायर के अंदर उसमें देखिए किस तरीके से इसका साउंड आ रहा है, तो इधर साइलेंट नहीं हो चुका है। तो आप लोग को जैसे कि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो इसी तरीके से इस ये जो राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क करता है तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। जैसे कि तो अभी देख लूँगा मैं इधर AWM, तो नॉर्मल कैरेक्टर के अंदर इधर AWM में चला रहा हूँ, इधर साइलेंसर नहीं लग रहा है या साइलेंट नहीं चल रहा है। तो देखिए राफेल कैरेक्टर लेके मैं जब स्नाइपर की जो गांस है वो चलाऊँगा तो इधर बहुत ही साइलेंटली आवाज़ होगा। तो देख सकते हो किस तरीके से इसकी साउंड हो रहा है और उसको सुन भी सकते हो किस तरीके से साइलेंटली दोस्तों इसकी गन की जो गोली है वो दोस्तों बाहर निकल रहा है, तो इसकी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो आपको साइलेंसर नहीं होने से भी आप दोस्तों साइलेंटली गन चला सकते हो, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। तो राफेल कैरेक्टर की ये है पहली दोस्तों एबिलिटी। सेकेंड एबिलिटी क्या है मैं आप लोगों को और एक गेम प्ले के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। राफेल कैरेक्टर की जो दूसरा जो एबिलिटी है वो क्या है, तो किसी भी एनिमी को आप दोस्तों नॉक करते हो, नॉक करने के बाद दोस्तों उसकी ये दोस्तों देखिए उसके ऊपर देखिए एक रेड कलर की सिंबल आ चुका है। तो ये जो रेड कलर की सिंबल की मतलब राफेल कैरेक्टर जब किसी भी एनिमी को दोस्तों नॉक करेगा उस टाइम पे दोस्तों 45 ज़्यादा स्पीड से वो दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। उसके जो 200 HP बाकी रहता है जो नॉक हो जाने के बाद 200 HP या दोस्तों 200 कुछ रहता है वो दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी घट के वो दोस्तों डेथ हो जाएगी, दोस्तों किल आ जाएगा। तो ये है दोस्तों बहुत ही खास बात। तो इधर दोस्तों कोई भी गन से आप एनिमी को नॉक कर सकते हो, तो इधर किसी भी गन से नॉक करने या दोस्तों किल करने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी गन से आप इधर नॉक कर सकते हो। तो जो भी एनिमी को आप नॉक करोगे वो एनिमी जल्दी जल्दी किल हो जाएगा।